देश के सबसे अमीर शख्स के मामले में हर किसी की जुबान पर मुकेश अंबानी का नाम आता है। सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मुकेश अंबानी ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। यही वजह है कि उनके हुनर और कामयाबी के चलते ग्लोबल रिसर्च संस्थान हुनर ने अंबानी को अमीर भारतीयों की सूची में सबसे ऊपर रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने मुकेश अंबानी की दौलत में 58% का इजाफा बताया है। उनकी दौलत करीब 2.57 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, या फिर यूं कहें कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल मुकेश अंबानी जिस देश में पैदा हुए उसकी इकोनॉमी से ज्यादा आज उनकी दौलत है। दरअसल 1949 में मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई ने 17 साल की उम्र में कोबाटा नाम शिप से यमन के एडहर शहर पहुंचे थे। वहां उन्होंने कंपनी में बतौर मैनेजर के तौर पर काम किया और उसी दौरान धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। यमन ही वो देश है जहां मुकेश अंबानी पैदा हुए थे। आज मुकेश अंबानी की दौलत यमन की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से 50% से भी ज्यादा है। धीरूभाई ने अपनी पहली नौकरी यमन में ही की थी और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी की दौलत के आगे यमन की जीडीपी कहीं नहीं टिकती है। अब इसे वक्त का फेर कहें या फिर मुकेश अंबानी की मेहनत, लेकिन सच तो यही है कि जिस देश में वो पैदा हुए उसकी इकोनॉमी से ज्यादा आज उनकी दौलत है। इस स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।